हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 2 का टॉपिक सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बेंडुरा यानी कि बेंडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम के जो सिद्धांत दिए गए थे उस टॉपिक पर मैं डिस्कशन कर रही थी, जिसका 3 पार्ट मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके पहले की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन को डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में बेंडुरा के द्वारा दिए गए जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में डिस्कस किया था, और इसके थर्ड पार्ट में मैंने सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि सोशल लर्निंग की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि बेंडुरा के द्वारा दिया गया था, इसके एडुकेशनल इम्प्लिकेशन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग यानी एडुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी का क्या शैक्षिक उपयोग है, क्या शैक्षिक उपयोगिता है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उनके सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, सोशल लर्निंग सबसे यूजफुल हो सकता है। और ये इसलिए क्या, छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, एक आइडियल बिहेवियर वाले मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। अगर आइडियल बिहेवियर वाले मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या होगा, एक स्टूडेंट्स के का पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी प्रकार से हो सकेगा। आगे देखते हैं, प्रतिमान या मॉडल का उपयोगी माध्यम रेडियो, टेलीविजन, पुस्तक, कहानी, नाटक आदि हो सकते हैं। यानी कि जो छात्रों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल बिहेवियर वाले जो मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा वो किसके किस माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, बुक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, या नाटक दिखाकर भी एक आदर्श मॉडल, एक आइडियल बिहेवियर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि किसी आदर्श व्यक्ति के का मूवी दिखाया जा सकता है, या फिर उसके बारे में स्टोरी बुक के थ्रू बताया जा सकता है। ये सभी चीज़ों के द्वारा क्या किया जा सकता है, एक स्टूडेंट्स के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अध्यापक स्वयं भी एक प्रतिमान होते हैं। यहाँ बहुत ही बड़ी बात कही जा रही है कि टीचर भी क्या होता है, स्वयं ही एक मॉडल होता है। वो प्रारंभ में छात्र अपने शिक्षक के गुणों का अनुकरण करते हैं। यानी कि जब देखा जाए कि स्टूडेंट्स जब टीचर्स के संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं, वो टीचर्स की क्वालिटी को ही देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि उसे अपनाते हैं कि हमें उस टीचर्स के ये गुणों को अपनाना है। वो उन सभी गुणों को अपनाना चाहते हैं और अपनाते हैं उन्हें देखकर ही शुरू में। इसलिए क्या, अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। यानी कि अध्यापक का पर्सनैलिटी भी अच्छा नहीं होगा तो क्या करेंगे, स्टूडेंट भी उसी प्रकार से अपना व्यवहार बनाएंगे। इसलिए एक टीचर्स को अपना व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, ताकि क्योंकि उससे
कई बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। एक टीचर कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक आइडियल पर्सन भी होता है। इसलिए टीचर्स का व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स भी उसी मार्ग पे चलेंगे। आगे देखते हैं, आजकल शिक्षक इस तथ्य को भूलते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, टीचर्स क्या हो रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को, अच्छा व्यक्तित्व को भूलते जा रहे हैं। विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों रूप में गुणों के उपदेश देने के स्थान पर प्रतिमान के गुणों को स्वयं धारण करने का प्रयास को करना चाहिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यालय में जाने के बाद सिर्फ क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को ही ये लेक्चर नहीं देना चाहिए कि उन्हें इस क्वालिटी को अपनाना चाहिए, इस मॉडल को देखकर आपको इसके जैसे बनने चाहिए, ये सिर्फ नहीं बताना चाहिए, बल्कि टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, खुद उस आइडियल पर्सन की तरह उस गुणों को अपनाना चाहिए और ये उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ताकि क्या होगा, ऐसा आदर्श अगर टीचर प्रस्तुत करेगा तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करें, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा वो। आगे देखते हैं, सेकंड है, सेकंड एडुकेशनल इम्प्लीकेशन है, विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले बालकों को प्रतिरूपण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो असामान्य व्यवहार करते हैं जो स्टूडेंट या जो चाइल्ड, उसको क्या किया जा सकता है, मॉडल के थ्रू से सुधारा जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। यानी कि जो सामान्य व्यवहार करते हैं जो बच्चे, उनको एक मॉडल के रूप में उनके उनका प्रतिरूप को एक फिल्म के द्वारा या रेडियो के थ्रू या फिर टेलीविज़न के थ्रू दिखाकर क्या किया जा सकता है, जो असामान्य व्यवहार करते हैं उस बच्चे को सामान्य व्यवहार के लिए सुधारा जा सकता है। थर्ड है, बालक अच्छे बुरे में विभेद करने में अपने को समर्थ असमर्थ पाता है। यही कारण है कि यदि प्रतिमान व्यवहार करता है तो बालक अनुकरण द्वारा उसे सीख लेता है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, अच्छे बुरे में क्या गुड है क्या बैड है, वो इस अवस्था में, छोटी अवस्था में नहीं समझ पाता है कि क्या अच्छा है उसके लिए क्या बुरा है। तो वो क्या करता है, उसे जो मॉडल जिस प्रकार से व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है वो उसी का अनुकरण कर लेता है और उसी के अनुसार उसे अपने व्यवहार में लाता है, यानी कि उसे सीख लेता है। आगे देखते हैं, अतः विद्यालय या कक्ष स्थितियों में प्रतिमान अर्थात बुरे व्यवहार को उपस्थित नहीं करना चाहिए। यानी कि कहा जा रहा है कि स्कूल में जो है या क्लासरूम में क्या करना चाहिए, कुछ भी बुरा व्यवहार को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा व्यवहार बच्चे देख लेते हैं तो वो क्या करेंगे, उसी चीज को अपना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, विद्यालय में बालकों के सामने शिक्षक को धूम्रपान नहीं करना चाहिए और साथ ही शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है, अगर टीचर से धूम्रपान करेगा तो वो क्या, बालक भी क्या सोचेगा कि वो टीचर तो धूम्रपान करता है तो हम लोग भी ये कर सकते हैं, उनके माइंड में ये आ जाएगा, उनका बिहेवियर आ जाएगा। और साथ ही यहाँ कहा जा रहा है कि आक्रामक व्यवहार, यानी कि बहुत ही क्रोध वाला व्यवहार टीचर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उस तरीके का व्यवहार अगर टीचर करता है तो उससे स्टूडेंट्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उस व्यवहार को वो सीख लेता है। आगे देखते हैं, फोर्थ है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने में या
विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यानी कि कहा जा रहा है कि जो चाइल्ड है उसका बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ये थ्योरी जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जा सकता है, बालकों के जो बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। और अगर जो बालक या जो स्टूडेंट्स गलत व्यवहार करते हैं तो उसे अच्छा मॉडल दिखाकर उसे सही व्यवहार करवाया जा सकता है, या अगर उसे सही मॉडल दिखाया जाएगा तो क्या होगा, वो सही व्यवहार को अपनाएगा। तो आज हम लोगों ने एडुकेशनल इम्प्लीकेशन देखा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, जो कि बैंजुरा के द्वारा दिया गया था। थैंक यू।